अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। हुकूमत ने आते ही गैस, बिजली और खाद महंगी कर दी, ऐसे इकबाल। कशकोल तोड़ने के दावे और हकायक क्या हैं? पीटीआई एमकेएम इत्तेहाद, वजारतों पर इख्तलाफात शदीद तर हो गए हैं। फैसल सब्जबारी को वफाकी मुशीर बनाने की बात तय हुई थी। वफाकी इत्तेहादी कराची में हरीफ बन गए हैं। खिलाड़ियों की मुदाखलत पर मुत्तहिदा नुमाइंदे नाराज़ हैं। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत अहम बात कि हुकूमत ने आते ही महंगाई क्यों कर दी है, और जो कि इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी कम अज़ कम 100 दिन का हमें वक्त दिया जाए, उसके बाद तनकीद की जाए, और कशकोल तोड़ने के दावे और उसके बाद चंदे की अपीलें भी हो रही हैं, तो इस पर क्या समझा जाए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा अमली नुसरत वाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खुश आमदीद। अजी, कशकोल तोड़ने के दावे और दूसरी जानब फिर चंदे की अपील की गई है डैम के लिए। वैसे ये तो दुनिया भर में ऐसा कोई वाक्या हुआ नहीं है कि चंदों से डैम बने हो। डेफिनेटली ऐसा कोई वाक्या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि शौकत खानम जैसे एक के बजाय तीन बन चुके हैं। तो हमारी कौम जो है सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा अस्पताल और फंड देने तो बन जाती बहुत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये नहीं होगा कि इसके ऊपर हंड्रेड परसेंट वो रिलाई कर रहे होंगे कि इतना फंड उनको मिल जाएगा कि डैम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक इनिशिएटिव दिया है लोगों को, जो इससे पहले को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं, उनको एक एतमाद दिया है कि आप अगर इस हुकूमत के ऊपर एतमाद करेंगे तो ये चीज़ हो सकती है आगे। क्योंकि देखिए, जहाँ तक अभी फ़ंड की बात है, लोग दे रहे हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा लोग पैसे भेज रहे हैं, और पाकिस्तान से भी माशाल्लाह लोग 15-15 करोड़, 60-60 करोड़ इस तरह दे रहे हैं। तो जब इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर कहीं से भी अगर फ़ंड लेने की बात होगी, कोई IMF है या वटेवर जो भी देती हैं एजेंसियाँ फ़ंड, तो अगर उनसे ये बात हो रही होगी तो कम से कम एक दिखा तो सकेंगे कि इतना फंड हमारे पास है और हम इसको बना लेंगे। दो बातें आपने कर दी ना, एक तो आप फंड के हवाले से बात कर रही हैं, जो चलें जी आपकी बात कुछ देर के लिए दुरुस्त मान लें कि जी चंदा मांग रहे हैं आपके, पाकिस्तान में डैम की जरूरत है, और जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो भी दें, और यहाँ पे जो मौजूद हैं वो भी मदद करें। पाकिस्तानी बाहर भी है ना, मुझसे बाहर भी है, उसी उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आप ये भी कह रही हैं कि जी IMF वगैरह, तो वो तो आप लोग पहले मैंने कर दिया था, असद उमर वगैरह तो तनकीद करते रहे उन लीग पर कि जी ये कशकोल लिए फिरते हैं और कर्जे पे कर्जे पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचा दिया है। देखिए, मुल्क को इस हालत में पहुंचा दिया है कि आप जानते हैं कि मैं और आप और हर इंसान जो पाकिस्तान में बसता है, नया होने वाला बच्चा तक, 1,30,000 रुपये का कर्जदार है। ये पिछली दो हुकूमतों का कारनामा है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। पहले 6,000 अरब डॉलर था और अब 30 से 28 हज़ार अरब डॉलर है। तो वो इतना ज़्यादा जब पहुँचाया जाएगा कर्जा, तो उसको ये यकमुश तो वो ख़त्म नहीं कर सकते आने वाली नई हुकूमत कोई भी हो। आप चंदा मांगने के बजाय जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन पर अरबों रुपये करप्शन का इल्ज़ाम है, उनकी दौलत बाहर पड़ेगी, वो क्यों ला रहे? वो भी लाएंगे। देखिए, अभी हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दिन कितने हुए हैं? 28 दिन हुए हैं टोटल। तो 28 दिनों में कोई मिरेकल नहीं हो सकता, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम सारे काम बिल्कुल फौरन कर लें। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि दिन रात काम हो रहा है। हर बंदा जो भी, जिसको भी जो ओहदा मिला हुआ है या जो पोस्ट मिली हुई है, जो वजारत मिली हुई है, वो अपनी जगह पे, खान साहब अपनी जगह पे, शायद 6 घंटे भी नहीं सो रहे। नियत पे किसी को शक नहीं है, खान साहब पर तनकीद कोई नहीं कर रहा। खान साहब ने जो नगीने चुने हैं परवेज मुशर्रफ की कदीमी काबीना के, उन पर लोग तनकीद कर रहे हैं। देखिए, वो उस बात को बिल्कुल, अच्छा वो अगर इतने इनकलाबी होते तो परवेज मुशर्रफ के दौर में पता नहीं क्या कुछ कर देते, वो सारे वहाँ फेल हो गए, आप उन सबको भागे इकट्ठा कर लिया। इनकलाबी नहीं है, इनकलाबी खान साहब है। देखिए, मैं बार-बार एक बात करती हूँ कि जो लीडर है फहमीदा मिर्जा, नहीं वो 84 करोड़ रुपए माफ कराया आपके लिए, बड़े पसंदीदा खातून हो गए। मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये करती हूँ कि लीडर से फर्क पड़ता है। अगर लीडर ऑनेस्ट है, लीडर करप्शन नहीं कर रहा, तो वो नीचे वालों को नहीं करने देगा। उन्होंने जहां मर्जी, इसकी छोटी सी मिसाल मैं दूं आपको, लेकिन अब इसकी छोटी सी मिसाल, खान साहब ने कहा जी 300 डैम के अभी हमें छोटे छोटे हम बनाएंगे। खान साहब ने तो कह दिया, उनकी नीयत पे शक नहीं था। खट्टक साहब ने एक नहीं बना सके, ये टीम थी ना आपकी, टीम अच्छी मुंतखब होगी तो काम होगा ना। वो कहां गए वो दावे 300 डैम के? हर जिले में यूनिवर्सिटी बनेगी, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनेगी, डैम बनेंगे, कुछ नहीं हुआ। फेडरल गवर्नमेंट ने उनको पैसा ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आगे नहीं लेके चल सके उसको, वरना प्लान पूरा का पूरा बन चुका था, तैयार था सब कुछ, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से पैसा चाहिए था, जो कि वो नहीं दे रहे थे। इसी तरह, लेकिन अब चूंकि हम खुद हुकूमत में हैं, डाल दिया खुद के मेट्रो तो बना रहे थे, आप नकल कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, चलेंगे अच्छी बात थी, बनाते तो सही उसको, बनेगा वो
बनेगा, ऐसी बात तो नहीं है। देखिए, हम उस लिमिटेड पैसे में कर रहे हैं जो कि एक्चुअली उसके ऊपर लगता है। हम ये नहीं कर रहे कि एक्चुअली ना, आपने 25 अरब का मंसूबा 50 में पहुंचा दिया, इसलिए कि महंगाई वहां से वहां पहुंच गई। उसमें ये नहीं जवाब देने शुरू हो रहे हैं, पहले नून लीग के ऊपर सभी हो रहा नहीं। देखिए, अब आप अपोजिशन में नहीं है, नहीं ये हम जानते हैं, फील करें आप इसको, हुकूमत में जानते हैं इस बात को। कोई जवाब इस तरह का ना दें आप, अब आप गवर्नमेंट में देना जरूरी है, इसलिए कि हमारे यहाँ किकबैक नहीं लिया जा रहा, ये हर बंदा जानता है। 22 साल अपोजिशन में रहे, अभी तक वो एक फीलिंग आई नहीं रही। वो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं होगी, किकबैक नहीं होंगे। जो लोग इस तरह की चीज़ करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो चीज़ लाइमलाइट में आ जाती है, तो इंसान बख्शा नहीं जाएगा। आप इस तरह पकड़ेंगे धांधली और करप्शन के वालों को? करप्शन कैपिके में होती रही, आपने तो साहब कमीशन ही बंद कर दिया वहाँ पर, ये तो हाल है आपका। देखिए, जो करप्शन जिन लोगों ने की, उनको बहुत सारे लोगों को निकाला भी है कि सेनेट में आपको निकालना पता है, हाल थोड़ी था, करप्शन की है, तुमसे पैसे बरामद करते हैं, सदाएं दिलवाते, बिल्कुल होगा। अगर वो निकाल के छोड़ दें, उनको नहीं आया, इसाक डार साहब की तरह भाग जाएं बाहर मुल्क से, नहीं नहीं, वो इसाक डार के भी पैसे आएंगे वापस, ऐसी फिक्र की बात नहीं है। जो लोग इस तरह की करप्शन कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता बच चुके हैं, तो उनको दोबारा पकड़ा जाएगा, और वो ये सारा कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता सारा कि पैसे होगा, क्योंकि नई हुकूमत है। ये क्या बात की, 28 दिन सिर्फ अभी हुए हैं, हमें थोड़े सी सांस लेने दें खान साहब को, सांस लें कि वो बेचारे एक जगह पे एस्टेब्लिश तो हों, पीरियड आपका बिल्कुल सांस लें आप। लेकिन खान साहब ने एक बात की जो कि दुनिया की किसी जमहूरियत में आज तक किसी ने नहीं की, कि जी अभी 100 दिन हम पे तनकीद ना करें, मतलब आप किसी किस्म के इकदाम करते रहें और हम बात ही ना करें उसमें। नहीं नहीं नहीं, ये उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल बात नहीं करें, लेकिन ये जो तनकीद बराए तनकीद हो रही है हर चैनल पे बैठ, वही मीडिया बुरा लग रहा है आपको, जो 5 साल हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, साथ देता रहा, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, लेकिन असल इश्यूज को उठाता रहा। अब शुरू के 28 दिनों में मीडिया इतना बुरा लग रहा है, पसंदीदा 20 एंकर बुला लिया आपने, बिठा दिए, बाकी 150 एंकर और भी थे। नहीं तो वो तो पूरे पाकिस्तान में एंकर ही एंकर होंगे, हर वो एंकर बुला लिया जो तारीफें करता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें, जब खान साहब की ओवर टेकिंग हुई थी, तो उसमें हम लोग नहीं थे, ये वजह नहीं थी कि खुदा ना खास्ता वो हमें अच्छा नहीं समझ रहे थे या कुछ इस तरह की बात है, जगह की बात नहीं, जगह की बात होती है, इतनी जगह नहीं थी। जो लास्ट प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने अपने लोग बहुत सारे बुला लिए, तो इसलिए हम लोग काफ़ी लोग रह गए। तो फिर अगले दिन खान साहब ने हमारा खाना किया वहीं पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और फिर इस तरह कंपनसेट किया। खाना बेचारा क्या वो खाना होता है आपको बताए, एक कौरमा, एक चावल, एक नान और 2 सलाद, बस खत्म बात। ये जो सादगी की अगर आप बात कर रही हैं, कि चाय के प्यालियां कम कर देने से, 2-4 गाड़ियां बेच देने से मैशत मजबूत नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन एक ट्रेंड खत्म होगा। देखें, ये जो अयाशी का एक ट्रेंड है ना, कि गवर्नमेंट का पैसा मिल गया है तो उसको जो मर्जी करो। मैं आपको बताती हूँ, फेडरल लॉज का मुझे जो अलॉट हुआ है, उसमें कोई जो भी साहब रह के गए, उसकी हालत ये है कि पूरा फर्श उन्होंने कभी नहीं साफ करवाया, इतनी इतनी मोटी लेयर्स हैं उसके ऊपर गंद की, और सारी कैबिनेट्स टूटी हुई हैं, जस्ट बिकॉज इट्स गवर्नमेंट अपार्टमेंट आपको मिला हुआ है, तो आप उसका जो मर्जी कर लें। आप रह रहे हैं, वो आपका घर है, आप उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें, अपने घर की तरह, बल्कि जिस हालत में मिला है उससे कोशिश करें कि 50% बेहतर करके जाएं। तो लोगों का ये एटीट्यूड नहीं है, जब उनसे बड़ी गाड़ियां ली जाएंगी, छोटी गाड़ियां दी जाएंगी, तो उन्हें एहसास होगा कि उन्हें क्या चीज़ मिली हुई थी और उसके बाद अब क्या मिल रही है। बिजली के हवाले से आप लोग क्यों बात नहीं करते? लोड शेडिंग शहरों में भी जारी है अब तक, उस पर खान साहब ने कुछ नहीं कहा, ना आपकी टीम ने अभी तक कुछ कहा है कि बिजली कैसे होगी, किस तरह लाएंगे आप लोग। हम तो तनकीद करते रहे आपके साथ मिलकर के, जी बिजली नहीं है पाकिस्तान में, शॉर्टफॉल है, आप लोगों तो बात ही करने को तैयार नहीं। उस पर टाइम दें, होगा, बिल्कुल होगा, उस पर भी होगा, जरा थोड़ा सा ब्रेक ले लें, और टाइम हमें भी थोड़ा सा टाइम देते, ब्रेक ले लें, छोटा सा ब्रेक ले, उसके बाद बात का आगाज़ करेंगे, और बात करेंगे बिलखसूस कराची शहर की और PTI और MQM इत्तेहाद की, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मिल जाएगा हमारे साथ ही। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद, बात करेंगे बिलखसूस कराची शहर की, शहर कायद की, जहां गवर्नर हाउस खोल दिए गए हैं आवाम के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। गिराने की बात भी की थी खान साहब ने, चलें खोल तो दिया। कुछ लोग कहते हैं जी गवर्नर हाउस खोलने से बेहतर था कि रोज़गार के मौके खोलें आप, तो खोलेंगे वो भी, कोई ये तो नहीं कि वो सिर्फ ये कि वो एक्सपेंडिचर कम करना चाह रहे थे, इसलिए गवर्नर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्रेजिडेंट हाउस में लोग नहीं रह रहे।
वो सिर्फ वजह ये है कि आप वहाँ का एक्सपेंडिचर कम करें। अब आप कह रहे हैं कि इस तरह की पैनी पैनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुल्क का कर्ज़ा नहीं कम होगा और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल सही, शायद इससे इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन एक ट्रेंड नज़र आएगा लोगों को कि अब अगर आप इस मुल्क में आपने रहना है, कोई उदा लेना है। अच्छा, ट्रेंड तो ये नज़र आया कि एक शख्स की पार्टी के लिए बिल्कुल खिदमात नहीं है, कल तक वो किसी और पार्टी में था, अचानक आपकी पार्टी में आया और वज़ीर आला पंजाब बना दिया। देखिए, उनके बारे में खान साहब ने कहा है कि मैंने 2 हफ्ते उनके पर गौर किया और लोगों से मशवरा किया। सिर्फ गौर किया तो, है या क्या कोई मुराकबा कर लिया उन्होंने? इशारा आ गया उनके कि बड़ा अच्छा आदमी है, यानी बहुत काबिल आदमी है, आइंस्टाइन यही फीचर का। ये तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि मोस्ट प्रोबेबली अपना फैसला ही चीज़ काबीना से तो मशवरा किया होगा अपने जो उनके अहबाब हैं। काबीना के अक्सर लोग कहते हैं हम तो जानते नहीं कौन है ये शख्स। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जाने बगैर वो अचानक नीचे से आया ना, आप बता दें आपकी तरह उभर के आया और मुंगली के एक आदमी पार्टी में आपकी शामिल हुआ और वज़ीर आला पंजाब, तो शायद उसके अंदर कोई ऐसी चीजें हों। मैं तो अच्छा, उसके लिए ऐसी चीज थोड़ी सी मैं और आसान कर दूं आपके लिए कि मुझे यूनियन काउंसिल का वो चेयरमैन था, उसके वालिद 2 मरतबा MPA बन चुके उस सीट से और वो लाइट तक अपने गाँव में नहीं ला सके, बिजली नहीं ला सके, ये यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे और करप्शन के इल्जाम थे। तो अब खूबी इसमें मुझे बता दें क्या है? खूबी ये है कि खान साहब को पसंद आ गए। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, वो आदमी जो खान साहब ने बात की थी, वही कहा था कि ये इस कदर गरीब है कि इसके पास इतना नहीं रिसोर्सेज थे कि अपने शहर में, इससे भी ज़्यादा गरीब मौजूद हैं कहें तो लिस्ट फराहम की जाए। हाँ, वो तो खैर पूरा पाकिस्तान 95% लोग गरीब हैं, उसकी तो कोई ये गरीब कहाँ से आ गया? 2 मरतबा इसके वालिद MPA रहे हों, खुद यूनियन काउंसिल का चेयरमैन रहा हो, घर पर जिसके पूरे गाँव में बिजली नहीं है, जिसके अपने घर में सोलर सिस्टम और जनरेटर चलते हों, वो गरीब आदमी है। वो तो कोई भी लगा ले, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लगा सकते ना, गरीब तो खैर नहीं लगा सकते। हम आपको नहीं, गरीब लोग तो नहीं लगा सकते। मैंने देखे, मैंने सब देखे हैं, बिल्कुल ज़ाती तौर पर जाके देखे हैं सब। तो ये सही है कि गरीब आदमी नहीं निकाल सकता, लेकिन खान साहब को मेरे ख्याल में उसकी जो चीज़ बेहतर लगी है वो ये कि वो उसने गलती हो गई नहीं गलती गलती कोई नहीं करते खान साहब। अच्छा, गलती नहीं करते? नहीं, गलती 150 यूटर्न हर एक महीने में। वो देखें, वो चीज़ बिल्कुल अलग है। एक फैसला होता है, सारे मिलके उनको एक नाम देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा है ये वो, लेकिन जैसे ही उनको ये रियलाइजेशन होती है कि तो नहीं। आतिफ मियां का भी दिया था, क्या हुआ फिर? क्या हुआ पूरे, जाहिर आपको पता है दुनिया पीछे पड़ गई। हालांकि इसके पड़ी, इसको वापस ले लें फिर? नहीं नहीं, इसका वापस लेना और उसका वापस लेना काफ़ी डिफरेंस है। वो अच्छा, कराची भाई PTI आपका जाहिर है सारी सियासत मेरे प्रोग्राम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप आती रही हैं, सदराज से MQM के खिलाफ मुख्तलिफ हम बातें करते रहे, आप भी करती रही, अब इतिहाद हो गया, चलें जी इतिहाद हो गया, बहुत अच्छी बात है, वो भी लीडर ऑफ चेंज की वजह से। ठीक है जी, अब वजारतों पर खिलाफात, वो कहते हैं जी तीसरी वजारत एक हमें देनी थी आपने, समंदर और पाकिस्तानी की, अब कुछ और, वो नहीं दे रहे आप, क्यों मना कर दिया आपने? देखिए, मेरे ख्याल में तो उनको जितना मिल गया वो देट इज़ मोर देन इनफ कि पहले उनके पास 24 सीटें थी और 2 वजारतें थीं, अब 4 सीटों पे वो 2 वजारतें ले चुके हैं, अब अगर इसके बाद भी वो डिमांड कर रहे हैं तो देट इज़ नॉट फेयर। अच्छा, वो कौम जो पिछले 25 साल से 22 साल से मेहनत कर रही है खान साहब के साथ, तो दे हैव एवरी राइट टू गेट दोज मिनिस्ट्रीज एंड एवरीथिंग एल्स। नहीं, अगर वो उनसे वादे हुए थे, आपने समझ के वफा होना चाहिए था, आप उनकी सीटें भी तो हैं ना, वो अगर वापस ले लें 7 सीटें तो आप लोग की तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। नहीं, वापस क्यों ले लेंगे, 2 मिनिस्ट्रीज नहीं है उनके पास, क्या मैं अभी तो कह रही हूँ 24 पे लोली बाबा आपने दिया हुआ है, 24 पे उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज थी। अच्छा, ये आम लोग ये सवाल करते हैं कि जी नॉन निकात का एक MOU साइन हुआ था कराची के हवाले से, ये काम आपने करने हैं अगर हम आपका हिस्सा बनेंगे, तो उसमें वजारतें शामिल नहीं थी, अब वजारतें भी दे रहे हैं माशाल्लाह, आप उन 9 पर तो बात ही नहीं कर रहे आप। वो क्या थी 9 बातें? वो तो कराची के हवाले से ना, पानी भी आ जाएगा कराची में, ये होगा, रोजगार होगा। तो भाई होगा, अभी 28 दिन में कैसे हो सकता है, मुझे तो इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। वो तो वजारत नहीं दे रहे ना, वो तो ये कह रहे हैं जी वजारत अगर नहीं दे रहे तो वो दे देंगे, वो अगर वादा किया है तो वो दे देंगे। मुझे नहीं पता उस वादे का, जाहिर है मैं उस चीज़ में शामिल नहीं थी, लेकिन अगर खान साहब ने या किसी और ने वादा किया है तो मिल जाए। अगर चले 7 सीटें सही बनती हैं, वजारतें उनकी नहीं बनती, वजारतें उनके हिसाब से तो उनको मिल चुकी हैं, मतलब जितनी बनती थी। कहना ये है कि 2 भी ज़्यादा दे दी हैं। हाँ बिल्कुल, तीसरी का तकाजा ना करें, नहीं करना चाहिए सूली तौर पर। चलें जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपके इतिहादी वफाक में और कराची में आपके हरीफ इस तरह बन गए हैं वो कि आप लोगों के MNMPs में दाखलत कर रहे हैं जी, जा जा कर अवामी जो नुमाइंदे हैं, बलदियाती नुमाइंदे हैं, उनके पास जाते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, जिस पर वो नाराज़ हैं मुत्तहिदा के नुमाइंदे, ये हमें पता है कराची के क्या मसाइल हैं, हम हल कर लेंगे, आप घरों में बैठें।
नहीं, अब घरों में तो नहीं बैठ सकते ना, इन लोगों को पता है एमके वाले हमेशा से कराची पे हुकूमत करते रहे हैं, तो उनको वो अच्छी तरह जानते हैं वोट के जरिए, वट एवर जो कहेंगी वोट के जरिए। हाँ मतलब वो तो उनका लीडर जो था वो हमें पता ही है। तो खैर बहरहाल, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, कराची की सफाई के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, पता नहीं और कितनी हज़ारों चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लो उस पर जा चुकी हैं। तो इन सब को करने के लिए अब जो हमारे MNA या MPS जाके उनको इंसिस्ट करते हैं कि जी आप सफाई करवाएं, ये करवाएं, इसलिए कि उनके ऊपर भी प्रेशर है लोगों का कि आप लोग जो बन गए हैं ये सब कुछ, आपको ओहदे मिल गए हैं तो आप शुरू करें इसको। क्योंकि पहले हमने देखा एक चाइना कंपनी आई, वो आई, उसने सफाई शुरू की, फिर अल्लाह जाने कहाँ चली गई, फिर मलिक रियाज ने शुरू की, फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई। का काम है कचरा उठाना, वो भी सही तरीके से काम यकीनन अंजाम नहीं दे रहे, लेकिन ये जो दूसरों काम में मुदाखलत आपके MPS कर रहे हैं इस पे आप मना करेंगे उनको, आप सब या इसको कह रही हैं कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, जाके उनको उनको बताना चाहिए, उनको रिमाइंड करवाना चाहिए कि दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। उस पे वो नाराज़ हो, या फिर तो नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने अगर हमारे साथ इत्तेहाद कर लिया तो उनको कुछ कहा ही नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, अपने लोगों को नहीं कहते हम, अपने लोगों को दफातर भी खोलें जो हमारे सेक्टर यूनिट बंद हो गए थे, ऑपरेशन हमारे खिलाफ जारी है, इसको भी स्लो करें, बंद करें इसको, ऐसे जो काम होना है वो होना है, उसमें ये कोई कंसेशन नहीं है। इसका मतलब ये नुसरत भाई साहब आप ही कह देंगे ऑपरेशन जारी रहेगा, दफातर नहीं खोले जाएंगे, नहीं खोले जाएंगे। जब अगर उसमें से देखें, अब ये देखें कि इतना वेपन निकल रहा है, इतनी गलत चीज़ें उसमें से निकल रही हैं, तो कैसे उन दफ्तरों को खोला जाएगा? वेपन निकल रहा है, इतनी गलत चीज़ें निकल रही हैं, ऐसी पार्टी को इत्तेहादी क्यों बना लिया? इसलिए कि उनका लीडर अब वो नहीं है जो पहले था। लीडर वो नहीं है, सहूलतकार कौन है उसके? सहूलतकार भी वही होंगे जो उस लीडर को ओबे करते होंगे। अब चूंकि वो उस लीडर के खिलाफ हो चुके हैं, उन्हें पता है कि ही इज नॉट अ पैट्रियोटिक, तो इसलिए अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। कराची के मसाइल का हल क्या है फिर आपकी नज़र में? वफाक में तो आप मौजूद हैं, सिंध में ज़ाहिर आप अपोजिशन में हैं, तो मसाइल कैसे हल होंगे ताकि लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो ना? वफाक ज़ाहिर एक हद तक मुदाखलत कर सकता है 18वीं तरमीम के बाद, सब कुछ नहीं कर सकता, वरना मुदाखलत का इल्ज़ाम आएगा कि जी इमरान खान साहब कराची में खुसूसी तौर पर बातें कर रहे हैं। इस पर किस तरह हल हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए मेरा ख्याल ये है कि हमें, बेशक हम अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों, हमें सबसे मिल के बैठ के बात करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए कि हम किस तरीके से काम करें कि किसी को नाराज़ भी ना करें और काम भी हो रहा। तो ये किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से वो अभी से नाराज़ होने शुरू हो गए? बातचीत करनी, ये बेनतहा ज़रूरी है। जब तक बातचीत नहीं होगी इस तरह के गॉसिप करने से, बैठे साहब के खिलाफ घेरा तंग से तंग होता जा रहा है, तो आपके साथ पीपल्स पार्टी किस तरह बैठी? वफाक में आपकी हुकूमत है, वो चाहते हैं कुछ रिलीफ मिले ज़रदारी साहब को। देखिए अब ये वाली चीज़ हमारे इख्तियार में तो है नहीं, अगर वो अदालत कुछ कर रही है या नैब तो आपके इख्तियार में है ना, नैब तो आपके इख्तियार में है। नहीं नैब हमारे इख्तियार में, लेकिन हम उसको उसमें कोई इंटरफेरेंस तो नहीं करेंगे। अगर तो फिर मिलकर किस तरह चलेंगे आप लोग तो, पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में? जदाई साहब की किस तरह घेरा तंग हो रहा है, नैब के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, FIA के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पेश हो रहे हैं बार बार, तो नाराज़गी चलती रहेगी आप लोगों की? तो अगर इस किस्म की नाराज़गी है तो चलती रहे बेशक, मुझे उसके ऊपर कोई वो एतराज़ नहीं है। क्योंकि देखिए जो भी, जदाई साहब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो भी कल्प्रेट है उसको पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अब इस मुल्क में बस बहुत हो गया इख्तिलाफात और नाराज़गियाँ हैं। इसमें अगर MQM के हवाले से मैंने कहा 7 वोट हैं उनके आपके पास दायरे, 176 में से 7 उनके हैं, ये नाराज़गी बढ़ती है और वो वापस ले लेते हैं आपके तहदी हैं, तो फिर क्या होगा आपकी हुकूमत का? फिर मनाने के लिए जितनी वजारतें कहेंगे दे देंगे आप लोग? नहीं, आई डोंट नो, ऐसा नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक चीज़ पहुँचेगी कि इतने नाराज़ होकर वापस चले जाएँ, क्योंकि पार्टी के साथ देखा नहीं, बारहा गए वापस आए, गए वापस आए, रहमान मलिक जाके मनाते थे, तो आप लोगों में से कोई रहमान मलिक तो होगा ना? पता नहीं कौन होगा, लेकिन बाहर मुझे नहीं नजर आ रही। हाँ मुझे नहीं नजर आ रही इस तरह की कोई भी नाराजगी की जिसकी वजह से वो चले जाएं। अच्छा एक और बड़ा अहम मामला है मुबैना धांधली के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी बातें की खान साहब ने, और खान साहब ने कहा था कि जी पार्लिमानी कमीशन बना दिया जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब खान साहब ने हलफ उठा लिया, इस बात को भी महीना तकरीबन हुआ चाहता है, अब मुबैना धांधली है, पार्लिमानी कमीशन, ये वादा कब वफा होगा? इतने सारे वादे आप लोग किए हैं, ये भी वादा है, बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि धांधली हुई थी, कमीशन तो बनाए कम से कम। बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, अगर खान साहब ने कहा है तो वो ज़रूर बनेगा। ये बस वही बात है टाइम देने वाली बात, कि आप लोग टाइम दें थोड़ा सा, क्योंकि एक इंसान एट ए टाइम हर इशू के ऊपर नहीं ना तवज्जो दे सकता है ना। उन्होंने क्या तवज्जो से एकदम कहना है जी कमीशन बना दें, ऐसी लोग बना दें कमीशन, ऐसी बात नहीं है,
کہ وہ کہہ دیں گے جتنا کمیشن بنا دیں گے, ڈر ہے آپ کو, خوف ہے کہ جی تھیلے کھل گئے تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آپ کو پتا ہے کتنے تھیلے کھلے ہیں اور کتنی دفعہ دوبارہ گنتی ہوئی ہے؟ آپ نے وہ روک دیا, روک دیا خواجہ صاحب رفیق کا, روک دیا کراچی میں خواجہ سہیل منصور صاحب کا, روک دیا اس لیے کہ وہ مسلسل چلے جا رہے ہیں, مسلسل ہر بندہ اٹھ کے یہی بات نہیں, جو قریب ترین ہے 200-400 ووٹوں کا فرق ہے, ان کو تو اختیارات دیں نا تو مل جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. وزیراعظم کراچی سے بہت نعرے لگائے آپ نے بھی, آپ کے پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں نے بھی, وزیراعظم کراچی سے وہ سیٹ ہی چھوڑ دی انہوں نے, کراچی سے وزیراعظم, ہم بھی خوش ہو رہے تھے کراچی کی توجہ ہوگی. نہیں تو صدر تو ہو گیا نا کراچی سے, تو صدر تو پہلے بھی کراچی کا تھا. نہیں کہاں سے پہلے کا, منظور حسین صاحب ٹھیک ہے وہ اس سے پہلے بھی کراچی کا ہی تھا, زرداری صاحب, ایک ہی عہدہ مل سکتا ہے, یہ تھوڑی کہ دونوں کراچی سے ہی ہو جائیں باقی سارا پاکستان. وہ عہدہ آپ نے دے دیا جو کر کچھ نہیں سکتا کراچی کے لیے, کیوں نہیں کر سکتا, کیا کرے گا مسئلہ؟ نہیں نہیں اب یہ وہ والے صدر نہیں ہوں گے جو اس میں بیٹھے رہے ہیں اور کچھ نہ کر رہے ہوں. یہ ماشاء اللہ عارف علوی صاحب بہت ایکٹیو ہیں, میں نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ بے انتہا کام کیا ہے, کئی سال کام کیے اور مجھے پتا ہے کہ وہ کس قدر محنتی آدمی ہے, کام کے بغیر رہ نہیں سکتے. کچھ نہیں ہوگا تو آ کے یہاں درخت لگانا شروع ہو جائیں گے اور کچرا اٹھوانا شروع ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے, وہ کام وہ کرتے رہیں گے. اور جاتے جاتے بتا دیجئے کہ گورنر ہاؤس کھول تو دیے تمام, لیکن عوام کے لیے خان صاحب نے تو وعدہ کیا تھا کہ بلڈوزر چلے گا, دیواریں گریں گی, تو شاید وہ میرے خیال میں تو نہیں کرنا چاہیے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہیں بات سے خان صاحب کہ ہاں کہ نہیں, اختلاف نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ, اب باقی ان کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو کچھ بنا دیں, لائبریری بنا دیں, میوزیم بنا دیں, کوئی اور چیز بنا دیں جس سے لوگ مستفید ہو سکیں. اچھا جاتے مجھے بتائیے گا آخری سوال آپ سے کہ خواتین کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے, اسلام آباد بھی ظاہر اب جانے جانا بہت ہے آپ کا, خواتین کے حوالے سے کچھ خان صاحب کوئی خاص اسکیم لے کر آ رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے ہیومن رائٹس میں ایکچولی جو زیادہ ہوتا ہے وہ ویمن رائٹ ہوتا ہے, اس پہ انشاءاللہ شیریں مزاری کریں گی کام, اور وہ بہت زیادہ کام کرنے والی خاتون ہیں ماشاءاللہ, تو ہوگا ایسا ایسا خواتین کے حوالے سے بھی بہت جلد بہت اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ نصرت بھائی, ہمارے ساتھ موجود تھیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, رکن قومی اسمبلی, اور بات کر رہی تھی جناب کشکول توڑنے کے دعوے کے حوالے سے اور وعدے کیے. اس نے کہا جی وقت دیا جائے حکومت کو, ظاہر ہے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا حکومت کو آئے ہوئے, اور 5 سال ہیں ان کے پاس, اور 5 سال ہی پورے دیے جانے چاہیے, عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا ان کے نمائندوں کو تاکہ عوامی مسائل حل کر سکیں, جو وعدے کیے ہیں تاکہ وہ وفاقی ہو سکے. چھوٹا سا بریک لے لیں, اس کے بعد بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں سندھ کے عوام سے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کرنا ہے, لیکن کس طرح, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, ہم بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی سندھ کے عوام سے کیے گئے وعدے ہر صورت پورا کرنا ہے, جبکہ سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں کراچی کو اضافی پانی دینے کے منصوبے زیر غور ہیں. یہ دونوں باتیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے کہ جی ہر صورت پورا کرنے, تیسری ٹرم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں, مسلسل تیسری حکومت ہے, بہت سارے وعدے کیے گئے 10 سال پہلے بھی اور اب بھی بہت سارے وعدے سے انتخابات میں بھی کیے گئے, وہ کب وفا ہوں گے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پر کراچی کے بہت سارے علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں لوگ, اس کے باوجود پانی دستیاب نہیں ہے, اور سید غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کراچی کو اضافی پانی دینے کے کئی منصوبے زیر غور ہیں. اب یہ زیر غور ہیں, پانی کب تک عوام تک پہنچے گا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نعیم شیخ صاحب. السلام علیکم جناب, خوش آمدید. نعیم شیخ صاحب, سندھ کی عوام سے کیے گئے وعدے ہر صورت پورا کرنے, بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں. سر چلیں, بڑی دیر کی مہربان, آتے آتے دو حکومتیں آپ کی گزر گئی, اب جا کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا ہے. نہیں دیکھیں, ہم نے تو 2000 جب 2008-2007 میں ہماری حکومت بنی وفا کی, اس وقت بھی جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی ہم نے اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہے. آج ایک بڑا ہاٹ ایشو چل رہا ہے ڈیم کا, جو وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ہم چندہ کر کے ڈیم بنائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, دیکھیں ہم نے ایسا نہیں ہوتا. آپ نے تو 2008-2013 تک وفاق میں تھے, آپ مسلسل سندھ میں 10 سال, تو آپ نے کیوں بنا لیا؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, آپ نے دیکھیں ڈینڈی ڈیم ہم نے بنایا, اسٹارٹ ہوا تھا 2008 بڑے ڈیم کی بات, میں آپ کو بڑے نیلم جھیلم ڈیم, چھوٹے چھوٹے ڈیموں سے کتنی بجلی پیدا کر لیا آپ نے, آپ کے دور میں رینٹل پاور کے منصوبے آئے, اس پہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیلم جھیلم ڈیم جو 2012 میں بننا شروع کیا ہماری حکومت تھی,
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. 2019 کے اندر یہ انشاءاللہ 2018 میں کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ 60 ڈیم پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی ہم نے بنایا. اس کے علاوہ ہم نے 8 وفاقی کام نہیں تھے, وہ سندھ کے کام تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی کام پر جیتتے ہوئے آئیے. آج بھی اگر ہم جیت کر بجلی پیدا کی, کتنا پانی لوگوں کو مہیا کر دیا, آج بھی جب ہم اسمبلی میں جیت کر آئے نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا. ہمیں ایسی تو ووٹ نہیں مل گیا نا, ہم نے یقیناً کام کیا ہے. سندھ کے اندر سڑکیں دیکھ لیں, سندھ کے اندر صحت کا نظام دیکھ لیں, زبردست نظام ہے. پیوند کاری, جگر کے پیوند کاری کا سب سے پہلا اسپتال ہم نے گورنمنٹ میں بنایا, پاکستان میں سب سے پہلا اسپتال تھا پورے سندھ میں. سر کتنے جل جائے آدمی برن سینٹر کتنے بنائے آپ؟ بہت زبردست قسم کے بنے ہوئے ہیں, ہر ڈویژن میں بنے ہوئے ہمارے سول ہاسپٹل میں ہے. جی جی, پورے سندھ سے وہاں آتے ہیں لوگ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ بھی پاکستان ٹراما سینٹر ایک بنایا ہے, وہ بھی کامل شاہ صاحب کی وائف ہیں, ان کے شعبے میں اس کا ڈاکٹر ہیں, انہوں نے افتتاح کرا دیا. دیکھ لیں پورے صوبے کے اندر ہم نے 8 جگہ اسپتال بنائے ہیں اور اتنے زبردست کام کر رہے ہیں اور فیس فری علاج ہو رہا ہے وہاں پر. اس کی وجہ یہ علاج نہیں ہو رہا سر, وہاں صرف او پی ڈی ہوتی ہے. لوگ اس طرح گمراہ نہ کریں, صرف او پی ڈی کا کام. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہارٹ جو ہارٹ سرجری ہو رہی ہے یہ بھی فری ہو رہی ہے, بائی پاس ہو رہا ہے یہ بھی فری ہو رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اصل میں ہمارے دوست جو ہیں, ہم پیپلز پارٹی پروپیگنڈا کی شکار رہتی ہے. ہم آپ سے بتا رہے کہ عوامی خدمت کی اصل جو پارٹی ہے وہ خدمت کرتی ہے پیپلز پارٹی ہے. سر آپ دیکھیں کراچی پیپلز پارٹی 90% پورے سندھ میں فضلہ ملا پانی دے رہے ہیں آپ, جس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ پیا جا سکتا ہے. ارے واٹر کمیشن کی رپورٹ ہے, میں غلط اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں. آپ کا وزیر اعلیٰ گیا ہے, واٹر کمیشن نے طلب کیا, عدالت نے طلب کیا, کل بھی بوتل پکڑا دی ہاتھ میں کہ یہ پانی پی کے دکھائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کے اندر صوبے کے اندر ہمارے جتنا بہترین کام پیپلز پارٹی کرتے آئی تو کہاں کی باتیں سنائیں. وجہ یہ ہے کہ کہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں, کوئی جگہ بتائیں گے؟ سارے کام زبردست قسم کے سندھ میں ہوئے, اسی کی بنیاد پر ان شاء اللہ 2023 کا الیکشن بھی جیتیں گے پورے پاکستان میں. وزارت اتنی زبردست کام آپ 2008 سے محترمہ کی شہادت کے بعد سے کرتے آ رہے ہیں. آپ نعیم شیخ صاحب کے چاروں صوبوں کی زنجیر محترمہ کے دور میں کہا جاتا تھا, وہ زنجیر سکڑ کر سندھ کے چند اضلاع تک محدود کر دیا آپ نے. ایسا نہیں, اتنی زبردست سیاسی بصیرت ہے آصف علی زرداری صاحب. آج بھی پنجاب کے اندر ہمارے 6 ایم پی ہیں, ہمارے اتنی بڑی پارٹی, 6 ایم پی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کے وہاں سر 178 اور 180 ایم پی ہیں. دیکھیں پارٹی 6 کو بھی فخر محسوس کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم کراچی اور صوبے کی بات سر وفاقی پارٹی تھی آپ کی, وفاقی جماعت سندھ تک محدود ہو گئی ہے. چاروں صوبوں میں اس کا جڑیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. صوبے کے اندر آپ دیکھیں اس دفعہ 2013 سے زیادہ ایک ووٹ نہیں بلوچستان سے ملا اعتزاز احسن صاحب کو, کے پی سے. یار کیا بات کر رہے ہیں, کے پی سے ہمیں 3 ووٹ ملے سر آپ کو. دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں علی, ہو ہی کیا رہا ہے. صوبے میں ہماری حکومت ہے, ہم اس میں بہتری مسلسل تیسری حکومت ہم بہتری کر رہے ہیں. بلاول صاحب کا ویژن ہے, خاص طور پہ صوبے میں ہم نے وزیر بلدیات ہم نے کراچی سے لیا. اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعید غنی صاحب ایکٹیو ہیں, کام کر رہے ہیں, صبح مختلف اداروں میں بھی جاتے ہیں. آپ کے اپنے علاقے میں بات کروں, پی ایس گورننس لانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی وجہ ہے. سیون کے میں بات کروں, آپ کے ایک نمبر دو نمبر نورانی بستی, سر گھروں میں پانی آ نہیں رہا, واٹر بورڈ کا سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا, یہ حال ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہاں پر جو چیئرمین ضلع نظامت کس کے پاس ہے آپ یہ دیکھیں. سر میں نے جو دو نام لیا, آپ نے سوال اس کا مطلب غور سے نہیں سنا. میں نے کہا آپ سے واٹر بورڈ اور سیوریج دونوں آپ کے پاس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کیوں چیئرمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ واٹر سیوریج بورڈ کس کے پاس ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, عوام کو کیوں نہیں بتا رہے کس کے پاس ہے؟ وہاں کے لوگ سوال کرتے ہیں, نورانی بستی والے بھائی کس کا ہے؟ آپ دیکھیں واٹر سیوریج بورڈ پہ قبضہ کس کا ہے؟ کس کا قبضہ؟ آپ کی حکومت ہے, قبضہ خالی کرا لیں آپ. آپ دیکھیں آپ معاملہ کیا ہے, بول دیں مجبور ہیں جی, ہم مجبور ہیں, آئندہ ہمیں ووٹ مت دیجیے گا, ہم قبضہ خالی نہیں کرا سکتے. دیکھیں اس دفعہ کوئی مجبوری نہیں ہے, پچھلی دفعہ بھی کوئی مجبوری کرا رہے ہیں سر, خالی کرا رہے ہیں. ان شاء اللہ کام کر رہے ہیں, ابھی 28-30 دن ہوئے ہمیں صوبے میں حکومت بنائے ہوئے. سر یہ تو آپ تو جواب دیتے ہیں کریں, یہ تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق میں آئے ہوئے 20 دن ہوئے. آپ تو تیسری حکومت ہے سر, تیسری حکومت ہے. صوبے کے اندر ہم نے زبردست کام کیا ہے. 28 دن ہوئے نا آپ کو, اس سے پہلے کون تھا؟ آپ ہی تھے. میں آپ کو بتاؤں کراچی کے اندر واٹر بورڈ پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کا اثر تھا, یہ آپ بھی جانتے ہیں. آپ بھی شیر کے یہ کیا بات کر رہے ہیں, ساری وزارتوں میں پھر آپ کا تھا. نہیں دیکھیں میں حکومت 10 سال سے آپ کی نا, ساری وزارتیں آپ کے پاس. میں آپ کو صوبے کی, آپ بتا دیں کیا کیا آپ نے. پیپلز پارٹی بلدیات کس کے پاس ہے؟ صوبے میں بڑی خدمت کی ہے, صوبے کراچی کی خاص طور پہ. کراچی میں خدمت کی ہوتی تو آپ کو ووٹ ملتا نا یہاں سے. کراچی میں ووٹ پڑا ہے ہمیں. کون سا ووٹ پڑ گیا؟ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے, بلکہ چوری نہیں ڈاکہ کہیں گے. کراچی کے اندر سر یہاں سے ڈاکے لگ رہے ہیں, اندرون سندھ میں جیت گیا, وہاں کیا ہوا؟ پوری میڈیا گواہ ہے. اندرون سندھ سے کیا ہوا کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کراچی کے اندر ایک اندرون سندھ میں سر تعلیم ایمرجنسی نافذ کی, 42 لاکھ بچہ اسکول جا رہا تھا پرائمری سطح پر,
2013 में, 2018 में आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो सिर्फ 40 लाख बच्चा रह गया, 2 लाख बच्चा स्कूल से उठा लिया गया आपकी, ये तो हाल है इमरजेंसी का। हमारे वजीर तालीम है सरदार, अच्छा जानबूझ के आप तालीम मुहैया नहीं करते लोगों को कि शऊर ना आ जाए, शऊर आ गया आपको वोट नहीं देंगे। वजीर हैं और वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तालीम पे जबरदस्त किस्म का हम लेके आ रहे हैं, उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं जितना पीर मदर साहब ने किया था। नहीं नहीं, पीर मदर साहब भी हमारे जबरदस्त वजीर रहे हैं, उन्होंने भी काम किया आज तक करप्शन केसेस भुगत रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, आप अपने वजीर कह रहे हैं जो करप्शन हुई थी 1200 गलत भर्ती की, गुड गवर्नेंस अजरा पीछे होकर शोर कह रहे हैं, 2018 की गुड गवर्नेंस देखिएगा कि इस कराची समेत पूरे सूबे के अंदर एक मिसाली गवर्नमेंट होगी हमारी 2023 में जब हम इख्तिताम पजीर होंगे। तो आपको पता है सूबे के अंदर हमने तकरीबन 14 यूनिवर्सिटी बनाई है, नहीं आप कौन सी हुकूमत ने, पंजाब ले लें, केपीके ले लें, सिर्फ एक बात बता दीजिए किस हुकूमत ने 14 यूनिवर्सिटी बनाई है। देखिए हमने को फिर आप गुमराह कर रहे हैं, आप गूगल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देना, यूनिवर्सिटी बनाना नहीं कहलाता, नई यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, नई यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। हैदराबाद में कितनी बना ली सर आपने, पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था, ये बताएं सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, कितनी यूनिवर्सिटी बना दी आपने? देखिए हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाई आपने कि वक्त मुत्तहिदा में आपको वोट नहीं मिलता वहां से, ऐसा कभी नहीं है। पीपल्स पार्टी क्राउड का वोट काम करती है कराची के अंदर, आप देख लें शारा फैसल देख लें, कारपेटिंग की है, देखें शारा फैसल देख लें, यूनिवर्सिटी रोड देख लें, अंडर रोड आपने बनाया था, एक बारिश हुई तो पता चल गया वहां का बड़ा रोड देख लें, और अभी देखेंगे 6000 नई एयर कंडीशन बसें कराची के लिए आ रही है, एक जबरदस्त काम करने जा रहे हैं। 10 साल कराची करने के बाद सूबे के अंदर इतनी मोहब्बत है नईम शेख साहब आपको, 10 बसें दी हैं आपने, 3 करोड़ आवाम को, 6000 बसें, 10 बसें दी हैं, आप देखेंगे बहुत जल्द आप कब से वादे करते आ रहे हैं, आप तो रोटी कपड़ा मकान का भी वादा आपने 50 साल पहले किया था आज तक नहीं मिला। ये नेगेटिविटी जो है ना पीपल्स पार्टी को वोट, सर ये 10 बसें मैंने नहीं दी, आपने मुहैया किए हैं 3 करोड़ आवाम को 10 साल में होता। इस दफा ट्रांसपोर्ट क्या करते रहे आपने 10 साल सुबह में, हमने 10 बसें सुबह 10 सीटें ज्यादा ली हैं सुबह से, ये पाकिस्तान कराची की बात करें कितनी ज्यादा ली हैं। देखें कराची के अंदर तो जरूर फैला है, करती है 3 रह गई, देखें जरूर फैला है कराची के अंदर, आपको पता है कि कराची में झरू पे रहा है, मेरी मैं नहीं उस तरह जाना चाहता, अब हम इस जमहूरियत कराची में पूरे पूरे फिर सकता था, वहाँ क्या, वहाँ तो हमारे देखे ना हमारे जो पॉलिटिकल में तालीम से क्या हुआ, कौन से साइंसदान पैदा कर रहे हैं वहाँ पर, आप देखेंगे अंदरूनी सिंध के अंदर जबरदस्त काम हुआ, हमें सबसे ज्यादा सिटी मिली है, अगर हमारा काम नहीं होता काम नहीं सर, आपको तो कम से कम मॉडल सिटी बना देते सर, ये सब सिर्फ मजार पे पैसा लगाया आपने, क्या किया आप चले मेरे साथ कराची से, आप बाय रोड जाते हैं आपको इतनी जबरदस्त सड़कें मिलेंगी, जबरदस्त किस्म के हॉस्पिटल मिलेंगे, तालीमी 10 गांव जबरदस्त बन रही है, ये सारा निजाम पीपल्स पार्टी बना रही है, यही वजह, ये सुबह की सर आप गए कराची से तो निकले सर, मैं देखे अली कराची देखा लाड़खाना तक जाएंगे, आपको खूबी तबदीली नजर आएगी, असल आज भुट्टो बिल्कुल है और लोग मर रहे हैं। देखे भुट्टो एक फलसफा है, कल भी भुट्टो एक भूख प्यास से लोग मर रहे हैं, भुट्टो फलसफा आप लेके बैठे हैं सर, सिर्फ एक भुट्टो की पार्टी थी ना सर, अब तो नहीं है ना, भुट्टो की पार्टी है अभी भी, हम भुट्टो आप कौन है आपकी पार्टी में, माशाल्लाह तो किसी भुट्टो को टिकट नहीं दिया आपने सर, तो एक नाम ले, देखिए मैं आपको एक नाम ले, मैं आपको एक बार एक नाम ले दे मुझे, कोई इस भुट्टो को टिकट दिया था आपने, मैं आपको बताऊं एक नाम तो ले, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, सुन तो लेना मेरी, अब बताए ना सर नाम बताए, आप मुझे उस तरफ लेके ना जाए जो सर पैर ही नहीं जिस जवाब का, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे पार्लियामानी बोर्ड है, एक पार्लियामानी बोर्ड होता है वो फैसला करती है टिकटों का, मैं एक मिडिल क्लास आपके सामने बैठा हूँ, देखिए ना मिडिल क्लास, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वडेरों की और जागीरदारों की जमात है, मैं खुद एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे फादर रिटायर्ड स्कूल सरकारी मुलाजिम चौकीदार रहे, ठीक है ना, कोई नुमाइंदा बताइए, मैं नौजवान यंग सरदार मेयर देख लें, अभी जबरदस्त किस्म के मिनिस्टर, हमें नहीं मालूम सरदार मेयर, आप देखें बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर 10 सीटें कैसे जीत जाती है, जाते जाते मुझे ये जरूर बताइएगा कराची का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है पानी के हवाले से, अभी सईद गनी साहब को मैंने बयान आपके सामने पढ़कर सुनाया, कह रहे हैं जी पानी इजाफी पानी देने के मनसूबे जैर गौर है, K4 मंसूबा 2007 का है, 2018 चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका और आपके वजीर फरमा रहे हैं मजीद 3 साल लगेंगे, देखें उसमें इस बड़े इश्यूज हैं, वफाक की तरफ से हमें जो फंड जो सिंध ने फंड दिया वही उसी पे लग रहा है, वफाक का भी एक रुपया 25 करोड़ मिल चुका है, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ हम बिल्कुल कराची के अंदर वाटर बोर्ड पे सईद गनी साहब और उनकी टीम तहरीक काम कर रही है, इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 1-2 महीने में तब्दीली नजर आएगी कराची के अंदर पानी के हवाले से। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि पूरे सूबे के अंदर चेयरमैन बिलावल साहब की खसूसी हिदायत पर नए तरक्याती काम भी होने
اور جو کام نہیں ہو سکے نگرا حکومت میں رک گئے تھے انشاءاللہ اس کو بھی کنٹینیو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے کہا یہ نئی حکومت بنی ہماری تیسری ٹرم ضرور ہے لیکن اس بار بلاول بھٹو زرداری صاحب متحرک ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سندھ صوبے میں بالخصوص کراچی میں کام بھی ہو دیکھتے ہیں جناب کب وعدے وفا ہوتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت مولانا کے بعد